पिछले 3.5 वर्ष से पंजाब की राजनीति का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहे बेअदबी मामले को कैश करने के लिए गांव बरगाड़ी में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली में कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने संबोधन के अंतिम समय में सिर्फ इतना कहा, जिन्होंने आपके धर्म के साथ गलत काम किया है उन्हें सख्त सजा होगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। जबकि उनके साथ मौजूद सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, बरगाड़ी मोर्चे में शहीद व भाग लेने वाले लोगों की याद में मेमोरियल बनाया जाएगा। लगता है कोलिशन सरकार बनेगी, मगर ओवरवेलमिंगली जनता नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा से नाराज है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, बेरोजगारी, किसानों की हालत, इकोनॉमी की हालत, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों पर चुनाव चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी दूसरी मोदी सरकार, फिर दूसरी मोदी, फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार से वो चले गए विकास पे, फिर विकास से चले गए नेशनलिज्म पे, फिर नेशनलिज्म पे वापस विकास पे आ गए, फिर विकास से मेरी फैमिली पे चले गए, फिर मेरे फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बात बोलने लग गए। तो नरेंद्र मोदी जी आगे पीछे घूम रहे हैं, बट जनता ने डिसीजन ले लिया है। देखिए, इतना चैलेंज राजनेता को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक प्रकार से हिंदुस्तान की आवाज़ हैं, आप हिंदुस्तान की आवाज़ का प्रयोग करके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, आपने सवाल पूछा, मैंने गलत जवाब दे दिया, मगर डरना तो नहीं चाहिए ना। नरेंद्र मोदी के बारे में एयरफोर्स के लोगों ने बोला, ये पारिकर जी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, गया मैं तो नहीं जानता, नया कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने किया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी डरते हैं। मैंने उनको चैलेंज किया कि भैया आइए, भ्रष्टाचार पर बात कीजिए। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो मेरा है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि पिछले 5 सालों में मैंने पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ी। पहले आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को हराया नहीं जा सकता है, लोगों ने कहा कि 10 साल नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज कोई भी मीडिया वाला नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, 10 साल प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने उनसे कहा कि 2 टर्म मैं पूरा दम लगा के आपको मदद करूंगा, मगर मैं आपकी सरकार में नहीं आऊंगा। 3 बार मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा, प्लीज़ राहुल आप मेरी सरकार में आइए। मैंने कहा, मनमोहन सिंह जी मैंने आपको कमिट किया था, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी और मैंने डिसाइड किया था कि हम एक धारी बना देंगे, लाइन बना देंगे, सरकार को चलाना इस साइड और पार्टी को चलाना इस साइड। नरेंद्र मोदी ये नहीं सोचते। नरेंद्र मोदी जब बॉम्बे अटैक हो रहा था, नरेंद्र मोदी ताज होटल के सामने खड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अंदर लोग मर रहे थे, तो उनको तो उसका पॉलिटिकल यूज़ बनाना है। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी को अगर पॉलिटिकली हराया जा रहा है और अगर पॉलिटिकली घेरा गया है, तो आपको क्या लगता है कि पत्रकारों को रोल है? हाँ, आप जैसे लोगों ने उठाए, बट बल्क जो प्रेस वाले थे उन्होंने नहीं उठाए। अगर कोई संगठन लड़ा है, अगर कोई जोनों से लड़ा है, अगर कोई पीटा गया है, तो कांग्रेस पार्टी लड़ी है। नरेंद्र मोदी आपकी थोड़ी बात करते हैं, नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ये थोड़ी बोलते हैं कि भैया पत्रकार मेरे पर आक्रमण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी आक्रमण कर रही है, तो लड़े तो हम हैं। Thank you.